आर्यन खान ड्रग्स मामले में हुआ बड़ा स्टिंग ऑपरेशन सच आया सामने। आर्यन खान ड्रग्स मामले में एक नया मोड़ आया है। इस केस में गवाह के रूप में सामने आए प्रभाकर साहिल का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर 8 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाने वाले प्रभाकर साहिल के इस स्टिंग ऑपरेशन से कई खुलासे हुए हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन से क्या क्या खुलासे हुए हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये स्टिंग ऑपरेशन। आप भी देखिए ये वीडियो। ये टकला इसके सामने आ गया, देखो तुमने बोला साला इसका, ये तो गड़बड़ हो गया सब। ये टोपी तो सही है, हाँ। और इसे इसका बॉडी गार्ड था साला, ये ना इसका जो था ना इसका बॉडी सेल सेल जो सभी का बॉडी गार्ड था। पैसा मांगा मेरे को, पैसा दे तो बोला नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तो इसको क्या नवाब मलिक का ही था। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि क्या है इसने इसको फोड़ा होगा मनोज को, भाई तुम्हारे मेरे को मनोज दो बार मिले, अरे चलो ना जाके अपनी पार्टी में। मैं बोला नहीं बाबा मैं पार्टी बिटी नहीं, वो तो पुराना दोस्त है। मैं देखा आपने ये वीडियो। इस स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि प्रभाकर साहिल ने पैसे के लिए ये किया है। स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्विटर पर शेयर किया है और लिखा है कि नोटरी रामजी गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन। रामजी ने कहा कि प्रभाकर साहिल ने किरण गोसावी से पैसे के लिए ये सब किया है। वो साफ कह रहे हैं कि मियां नवाब और मनोज इसके पीछे हैं। मोहित कंबोज ने दावा किया है कि ये स्टिंग ऑपरेशन नोटरी रामजी गुप्ता का है, जिसमें वो कह रहा है कि किरण गोसावी से प्रभाकर साहिल ने पैसे मांगे थे क्योंकि वो उसके यहाँ बॉडीगार्ड था और उसको लेकर ये सब कुछ हुआ है। आपको बता दें कि हम इस स्टिंग ऑपरेशन की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं यदि वो दावे सच साबित हो जाते हैं तो प्रभाकर साहिल पर गाज गिर सकती है और वहीं आर्यन खान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज़।